हाय, तो देखिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए ग्रेडियंट डिसेंट हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। देखिए ग्रेडियंट डिसेंट वही रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन ये हमारी इंक्रीमेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये मल्टीपल वीडियोस के थ्रू बना रहे हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए इसमें अपना जो न्यूरल नेटवर्क गिवन है, हम जेनेरिक न्यूरल नेटवर्क लेंगे, फिर फर्स्ट हिडन लेयर हो सकती है, उसके बाद कितनी भी लेयर्स हों, एंड फिर मान लीजिए ये हमारी फाइनली लास्ट लेयर है, एलेथ लेयर। तो अब देखिए यहाँ पे वेट मैट्रिक्स होगी W1, यहाँ पे वेट मैट्रिक्स होगी W2, एंड सो ऑन, और भी बहुत सारी वेट मैट्रिसेस होंगी, एंड फाइनली होंगी WL। ओके, फिर बाइनरी क्लासिफिकेशन हो रहा है तो एक फाइनली वाई हैट आएगा जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। तो अब देखिए इसमें लॉस फंक्शन जो हम पहले से ही लिख चुके हैं कई बार, तो अब अगर इस पे ग्रेडियंट डिसेंट चलेगा तो देखिए क्या चाहिए होगा हमको। जो लॉस फंक्शन है वो सिर्फ वाई, और वो वाई और वाई हैट का ही फंक्शन नहीं है, लॉस फंक्शन है अ फंक्शन ऑफ ऑल वेट्स इन वेट मैट्रिक्स W1 बायस वेक्टर B1 एंड सो ऑन अंटिल WL से लेके BL तक। तो ये इतने सारे पैरामीटर्स हैं उसके, ठीक है। यानी कि ये सारे, जैसे ही हम इन सब की वैल्यूज डालेंगे तो L की एक वैल्यू हमारे पास आएगी। और अब हमको क्या करना है, हमको बेसिकली वो सारी वैल्यूज ऑफ इन सब पैरामीटर्स चाहिए जिनके लिए L जो है मिनिमम हो। देखिए पुराने वीडियो में हमने ये ऐसा एक कर्व भी बनाया था, और फिर यहाँ पे W की वैल्यू के लिए ये वाला जे मिनिमम था। इस बार हम ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि पोटेंशियली आपके पास लाखों करोड़ों पैरामीटर्स हो सकते हैं, लेकिन कर्व फिर भी देखिए कुछ इसी टाइप का रहेगा कि कोई एक वैल्यू, कोई एक सेट ऑफ वैल्यू जिसमें सारे W1 की वैल्यूज आप रख देंगे, सारे B1 की वैल्यूज आप रख देंगे, आप बेसिकली इन सारे पैरामीटर्स की वैल्यू रख देंगे तो आपके पास एक आउटपुट जनरेट करेगा L, एक वैल्यू आएगी। तो उस एक वैल्यू को हमको मिनिमाइज करना है, तो वो एक वैल्यू ये भी हो सकती है, वो एक वैल्यू ये भी हो सकती है, एंड सो ऑन। तो अब देखिए मिनिमम की क्वालिटी क्या है, मिनिमा की क्वालिटी है कि डेल L बाय डेल W विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज पैरामीटर्स वो जो है वो जीरो होगा। ये मिनिमा की क्वालिटी है, लेकिन ये सिर्फ मिनिमा की क्वालिटी नहीं है, मतलब ये आपको ग्लोबल और लोकल मिनिमा भी हो सकता है। तो ये देखिए ग्लोबल मिनिमा भी हो सकता है और ये लोकल मिनिमा भी हो सकता है। लोकल मिनिमा मींस कि वो इस फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू नहीं है, लेकिन ग्रेडियंट्स तो वहां पे भी जीरो होंगे। तो देखिए ग्रेडियंट्स कहां कहां जीरो हो सकते हैं, लोकल मिनिमा पे जीरो हो सकते हैं, ग्लोबल मिनिमा पे जीरो हो सकते हैं, मैक्सिमा पे जीरो हो सकते हैं, और जो सैडल पॉइंट्स हैं या फिर प्लेट्यूज जो हैं, ठीक है, उसमें भी जीरो हो सकते हैं। तो ग्रेडियंट डिसेंट बेसिकली देखिए इस बात को यूज करता है कि अगर ग्रेडियंट सारे जीरो हैं तो ग्रेडियंट डिसेंट ये होप करता है कि वो आपको उसने एक ग्लोबल मिनिमा दे दिया है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी बिल्कुल नहीं है। वो लोकल मिनिमा भी हो सकता है, वो सेडल पॉइंट भी हो सकता है। इनफैक्ट आमतौर पे जो डीप लर्निंग में होती है उसमें आमतौर पे लोकल मिनिमा की जगह हम सेडल पॉइंट्स पे फंसते हैं जहाँ पे लर्निंग रुक जाती है। अगर आपको ये लास्ट बात समझ में नहीं आई है तो आप इसको छोड़िए, आगे हमको अपने आप समझ में आ जाएगी कि हम क्या बारे में बात कर रहे हैं। तो अब देखिए हम ग्रेडियंट डिसेंट लिखते हैं, बेसिकली हमको सारे ग्रेडियंट्स जीरो चाहिए। तो पहले हम मेन इक्वेशन लिखते हैं। देखिए भाई डब्ल्यू एल आई जे यानी कि वेट मैट्रिक्स L फॉर ए जेनेरिक लेयर L, यहां से यहां तक वो कोई से भी लेयर हो सकती है, और उसमें I और J रोज एंड कॉलम्स, तो W L
आई जे है ये अपडेट होगा अपनी पुरानी वैल्यू से माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल डब्लू आई जे एल। अब देखिए हम ये एल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं बस एक ट्रेनिंग एग्जांपल की। तो ये देखिए अब इसमें हमारा जो फॉर लूप है, पहले बताइए डब्ल्यू एल की डायमेंशंस क्या होंगी। देखिए डब्ल्यू एल की डायमेंशंस होंगी एन एल यानी कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन एलेथ लेयर क्रॉस नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द प्रीवियस लेयर। तो यानी कि जे जो है वो एन एल माइनस वन तक जाएगा। तो फॉर जे इक्वल टू वन टू एन टू द एल माइनस वन, भाई वो प्रीवियस लेयर में जितने न्यूरॉन्स हैं वहां तक जाएगा। आई आई जाएगा फॉर आई इक्वल टू वन टू एन एल, ठीक है। अब इसमें एक चीज हम देखिए रह रही है, क्योंकि यहां पे जो है हमको लिखना होगा कि बी आई एल एलेथ लेयर के जो बायसेस होंगे वो भी देखिए ऐसे अपडेट होंगे। अब ये तो हमारी बात हो गई है एक वेट मैट्रिक्स की जेनेरिक लेयर एल पे, कितनी लेयर्स हैं कैपिटल एल लेयर्स हैं, तो एक और फॉर लूप आ जाएगा लेयर्स के लिए वन टू एल। अब ये हम कब तक करेंगे, अब देखिए एग्जांपल्स एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल एक ही है, तो यहां पे अभी एक और फॉर लूप नहीं लगेगा, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जब हम एम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो अभी हम एक ही एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। तो ये आप चलाते रहेंगे बेसिकली कब तक, जब तक कि ये सब आपके जीरो नहीं हो जाती हैं। तो ये सब आपके जीरो हो जाने पर हम बोलेंगे कि लर्निंग बेसिकली खत्म हो गई है, ग्रेडियंट डिसेंट को उस समय स्टॉप हो जाना चाहिए। देखिए अल्फा ये जो है ये लर्निंग रेट है, लेकिन इस बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। आप आमतौर पे अल्फा को जो है 0.003 सेट कर दीजिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ठीक ठाक वर्क करता है। तो ऐसे में अब देखिए लास्ट जो एक लूप बचता है वो है कि आपको ये करना पड़ेगा, ये पूरा आपको रन करना पड़ेगा जब तक कि इन सब की वैल्यूज जीरो ना हो जाए, यानी कि अंटिल कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब क्या, कन्वर्जेंस का मतलब ये कि जब W's और B's की वैल्यूज चेंज होना बंद हो जाए, बेसिकली आप सभी डेरिवेटिव्स की वैल्यू जो है जीरो कर चुके हैं, तो उस केस में आपका एल्गोरिथम रुक जाना चाहिए। तो ये वाला देखिए जो एल्गोरिथम है ये है हमारा ग्रेडियंट डिसेंट। अब ये एक एग्जांपल पे कैसे चलेगा, देखिए डीप लर्निंग में देखिए आपने ये न्यूरल नेटवर्क था, ये x1 to xn की वैल्यूज डाली, फिर आपने मान लीजिए w's को कुछ भी रैंडमली इनिशियलाइज कर दिया, जैसे हमने इनिशियलाइजेशन वाले वीडियो में बता रखा है कि आप इनिशियलाइज कैसे करेंगे। तो जब आपने w's को कुछ इनिशियलाइज कर दिया है तो बेसिकली आपने इन सेट ऑफ पैरामीटर्स को एक वैल्यू दे दी है। जैसे ही आपने इन सब W's को एक वैल्यू दी है, देखिए ये सब मल्टीप्लाई होके आगे कर करा के आपको एक लॉस की वैल्यू देंगे। तो 1D इसका जो काउंटर पार्ट है उसमें देखिए कुछ इस टाइप की बात है कि अब आपको ये वैल्यू मिल गई है, लेकिन यहाँ पे W1, W2 ये बहुत सारे W's पैरामीटर्स मिलके आपको ये पॉइंट दे रहे हैं। अब जब आप इसको अंटिल कन्वर्जेंस तक करना है, यानी कि आप क्या करोगे, भाई ये करंट वैल्यूज ऑफ W1, W2 थी, तो आपने ये चलाया, आपने चलाया तो इस बार अब जो आपका ये जो पुराना वाला W था ये बेसिकली चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा इस इक्वेशन के थ्रू। तो अब ये आपके नया W आ जाएगा, ये वाला आपके नया W आ जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, आप उसी ट्रेनिंग एग्जांपल पे, उसी एक ट्रेनिंग एग्जांपल पे इसको वापस चलाओगे, भाई फिर से x1 x2 x3 की वैल्यू डालोगे, लेकिन इस बार वो जो मल्टीप्लाई होंगे
ये वैल्यूज़ दूसरी होंगी क्योंकि ग्रेडियंट डिसेंट ने इनको चेंज कर दिया है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये वैल्यूज़ दूसरी होंगी, फिर से आपके वाई हैट आएगा, आप फिर से लॉस कंप्यूट करोगे, आप फिर से ये प्रोसेस करते रहोगे उसी एक एग्जांपल के साथ, लेकिन ये वेट्स चेंज होते रहेंगे, फिर एक टाइम आएगा जब आप उस फंक्शन के मिनिमा पे पहुंच जाओगे और उस समय पे ये वेट्स जो हैं ये चेंज होना बंद हो जाएंगे। तो अब जो है आपका ग्रेडियंट डिसेंट आपको कुछ भी नहीं देने वाला है, क्योंकि अगर ये ग्रेडियंट जीरो है तो वो वेट्स की वैल्यू जो है सेम ही रखने वाला है। इसका मतलब हो गया कि आप जो है कन्वर्ज हो चुके हैं। सो अनटिल कन्वर्जेंस आपका आ चुका है, अब आप इस लूप से भी, फाइनल लूप से भी आप एग्जिट हो जाइए। आपका ग्रेडियंट डिसेंट अब खत्म हो गया है, इसने आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ एल दे दी है।